असलम एंड हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शाविस। नायज ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं नेस्कैफे बेसमेंट के अखियाँ उड़ीक दिया वर्जन के ऊपर। ओके, सो दिस इज थर्ड वीडियो ऑन अखियाँ उड़ीक दिया का वर्जन। नहीं, फर्स्ट वॉज नुसरत साहब, देन वॉज वॉज शिद्दत, अब ये नेस्कैफे अच्छा। बेसमेंट। सो या इसको किसने परफॉर्म किया, टाइटल भी नहीं है यहाँ पर। आई डोंट नो, दिस इज 7 ईयर्स ओल्ड। सो लेट्स सी, वहाँ पर हमें नाम देखने को मिल जाएंगे। नेस्कैफे बेसमेंट से याद आया, नेस्कैफे के बेसमेंट के स्टार्स ने हमें हमें शेयर किया है। शेयर किया है एंड इट्स एन ऑनर एक्चुअली। मुझे एक्चुअली क्या बात है कि मेरे दोस्त ने बोला कि डिड यू सी दैट, बोला व्हाट डिड यू सी, वो छोटे उस्ताद कहते हैं उनको, वो छोटे उस्ताद ने तुम्हारी वीडियो वी आर शेयर की टॉकिंग है अबाउट ज़ैन ज़ुबैब। जैन जोएब, मतलब छोटे उस्ताद ने, अच्छा, जैन जोएब साहब ने, हाँ, तुमने शेयर की है वीडियो तुम्हारी, कौन सी वीडियो भाई। तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो वीडियो बहुत ओल्ड हो चुकी थी एंड वी डो नॉट नो क्या है, एंड बाद में जैसे ओह बाप रे, मैंने देखा ओ गूज बम्स मोमेंट, एक वेरीफाइड प्रोफाइल इनकी, जैन जोएब साहब जिसकी हम इतने सुनते, इतना ज़्यादा सुनते हैं, घर पे हम इतना सुनते हैं उनको, इन लोगों ने हमारी वीडियो हमको रिकगनाइज़ किया, हमारी भी दैट मीन्स दे हैव एक्चुअली वॉच्ड अवर वीडियोज़ एंड उनकी आंखों के अंदर भी हमको पढ़ना, इट्स अ बिग नो ये है। डेफिनेटली तो रैंडमली वॉचिंग इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वीडियो देखने के बाद उसको शेयर करना बहुत बड़ी बात शेयर है। करना बहुत बड़ी एंड बात आई है। सॉ हिज होल प्रोफाइल, उन्होंने किसी को भी दूसरों को अभी तक शेयर ही नहीं किया है। शेयर, इट्स ओनली हाँ। अबाउट द प्रमोशन एंड द सॉन्ग्स। वहाँ पर सिर्फ हमारा ही वीडियो था। और इट जैन वॉज अ जो है वेरी गुड मूव। ग्लोबल सेंसेशन है, वो छोटे मोटे नहीं, नहीं है, वो इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने लेवल के आर्टिस्ट, और हम जैसों को वो पता नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। वी आर नथिंग, वी आर नॉट आर्टिस्ट, व्हाट वी आर डूइंग हियर, ये आर्टिस्टिक कुछ नहीं है जो हम करते हैं। ये जब हम जो हम यूजुअली हमारे काउच पे बैठ के मोबाइल फ़ोन में देख के जो बातें करते हैं, हम वही बातें कैमरे के सामने करते हैं। तो इस चीज़ को उठा के वो बात करना, उनके बारे में अप्रिशिएट करना उस चीज़ को, एंड दैट्स रियली दैट सेज़ के ये आर्टिस्ट कितने बड़े दिल के हैं। आई 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 रियली थैंक हिम फॉर दिस। सो या ये तो रही हमारी ज़ैन ज़ुबैब साहब जैन की से बात। बात सो दिस इज आँखें उड़ीक दिया, और बहुत वक्त से इसके ऊपर सेशन आते हैं पुराने चैनल से हमारे, और हमने नुसरत साहब का जब वर्जन यू नो रिएक्ट किया था उसके बाद भी इसके उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। कैफे बेसमेंट 2 सीजन 2। वेरी गुड वॉइस, वेरी सुटेबल वॉइस। खिलगो हाई, या हाँ, दैट्स बेस गिटार अगेन।
back to the same tone jo shuru se bata rahe hain, artist ke naam nahi dikhaya na. Another singer. Okay. Very good. सारा गाना इसी मूड पे आधारित है. अच्छा
चैंपियन। आई थिंक दिस अ होल बैंड, ये की बैंड के थे पूरे वो लोग, लगता तो वही है। आई थिंक कमेंट सेक्शन विल लेट यू नो हुआ थे, कमेंट सेक्शन में पता लग जाएगा। देखोगे तो कमेंट यूज और नॉट फॉर द फेमस एज दे वुड बी ऑल नो। ओके एक स्टॉप सब ऊपर पूछा गो। There's a comment by Vikas Jaipuria. The sequencing of different singers is worth mentioning. The first singer has a strong voice and pitch modulation which opens the song on a high note. The second singer soothes and brings certain calmness in the middle of the song. The third singer has a heavy bass and ends the song with on a bang. On a bang. Okay. Okay. I think yahan pe koi hai. Yeah, you guys let me know in our comment box ke who which band it is and who are the singers. Soul of the Classic Remains. Okay. Great to the whole team. Yeah. I think a good version. Yes, good version. Again, coming back to the technicalities, यहाँ पे क्या होता है नेस्कैफे बेसमेंट में अगेन आई वॉज वंडरिंग के इनको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली जो अखियाँ उड़ीक दिया का जो बॉलीवुड में जो वर्जन बनाया शिद्दत में, तो वो जो इको वॉइस है वो कहाँ से मिली सोच रहा था मैं, तो यहीं से उन्होंने इंस्पिरेशन डिराइव की है कि उसको इको रखना है ताकि एकदम सामने से आवाज़ ना आए, वो इको लगे वॉइस वो। नंबर वन इज दैट कि ज़्यादा इको बहुत ज़्यादा दिया गया है, और हाँ जो सिंगर्स हैं वहाँ पे मुझे नहीं पता कि वो ओरिजिनली सिंगर्स की पिच क्या है किधर है बोल के, बट अगेन उनकी जो वॉइस को है तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से उनको ये किया गया है, मतलब टेक्निकली क्या किया है, थोड़ा साउंड को बूस्ट किया गया है। आई एम नॉट सेइंग कि उसको ये डाला गया है, उसको थोड़ा बूस्ट किया गया है साउंड को, वो एक है। और आई थिंक एको वॉज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, एको बहुत ज़्यादा इको था वहाँ पे, तो इसी वजह से आई थिंक ये दे वांटेड दिस सॉन्ग टू बी वेरी अ ड्रीम सीक्वेंस सॉन्ग, जहाँ पे जैसे कि आप जा रहे हो तो नो जहाँ पे कोई लिपसिंक नहीं कर रहा है, तो वैसे एक तरह के वो सोच के बनाया हुआ गाना इन्होंने। सिंगर्स अगेन डन एन अमेजिंग जॉब,
बट आखिर में क्या है कि जो बैक वोकल्स थे, हमेशा मुझे बैक वोकल्स अच्छे लगते हैं, यहाँ पे यहाँ बैक पर वोकल बैक वोकल्स कम बहुत लगे और वो हैं एक वो उनका इन्वॉल्व नहीं रखा, मे बी बिकॉज के 7 साल एंड पहले दे की वर बात है ये, ऑल्सो ब्लैंक, वेरी ब्लैंक दे वर नॉट यू नो इन टू द सॉन्ग, इन टू द वो सॉन्ग, नहीं थे और वो तो सात वो साल ब्लैंक। पहले की बात है यार ये, जब जब क्या था, एक्सेप्टेंस अभी हुआ नहीं था इन चीज़ों का, थोड़ा थोड़ा हो रहा आई था, थिंक 7 साल पहले ये अपलोड हुआ है, हुआ सो है आई थिंक ये 1 साल पहले, सो मोस्टली 8 years दे टाइप ऑफ, तो वहाँ पे हुआ 13 है। हाँ हाँ 13 हाँ का वक्त पुराना है है। ये, तो उस वजह से अगर उस हिसाब से देखे तो हाँ। और बैक वोकल्स के जो दिए हैं एक्चुअली, जो वो सिंगर है बीच वाली जो क्यूट सी वो बच्ची है, वो शी हैज़ एन अमेजिंग वॉइस, क्योंकि वो एक पार्ट था वहाँ पे, वो एक ले रही थी, एक आलाप कुछ ले रही थी वहाँ पे, वो एक कम्युनिकेशन चल रहा था वहाँ पे उनका राग में, वहाँ पे इन दैट पार्ट शी वॉज एक्चुअली डूइंग रियली ग्रेट, वहाँ पे आवाज़ बहुत सूदिंग लग रही थी वो, लेकिन उसको वहाँ पे आए नहीं, वो आवाज़ दिखाया नहीं गई वहाँ पे, मे बी ज्यादा बिकॉज ऑफ साउंड हाईलाइट इशू नहीं हुआ ऑल्सो, वो, मे बी बिकॉज ऑफ साउंड, क्योंकि अब जैसे एंड कि ऑल्सो आई मैं लव द साउंड ऑफ दिस सॉन्ग, दिस वर्जन, बिकॉज यू नो साउंड में बहुत ही यू नो दैट्स व्हाट था। इज कमिंग। अभी क्या है कि हैदरियम जो लेटेस्ट बनी थी, हैदरियम का साउंड जो है इट वाज वेरी गुड, वो भी नेस्कैफे का ही है, तो एकदम से क्या होता है कि उसमें सिंगर की आवाज़ सबसे पहले आके कान में बैठती है, उसके बाद यहाँ पे क्या था, म्यूज़िक सबसे पहले आके बैठ रही थी और सिंगर की आवाज़ कहीं ना कहीं वो बैठ नहीं रही थी, वो बैठ नहीं जस्ट रही, बिकॉज वो एको है तो सस्पेंडेड वॉइस लग रही थी वो, कि आवाज़ थोड़ी हाँ घूम रही है ऐसे बोल के। एंड ऑफकोर्स ये कुछ और डिफरेंट टेस्ट शायद उस जमाने में ट्राई किया गया, जो कि अभी शायद नहीं है। अभी क्या है कि या अभी आवाज़ का ज़्यादा यहाँ पे बोल आजकल चल रहा है, आवाज़ का बहुत ज़्यादा है ना, आवाज़ को मॉड्यूलेट करके डाल दिया जाता है इसमें यहाँ पे। बट अगेन इट वॉज अ एन्जॉयबल, लास्ट में जो पार्ट था उसमें जो मैनू अखियाँ उड़े चलता रहा था उसमें, तो उसमें क्या था कि अगर हम कंपेयर करें कौन सा, वो हमने घर चरखा हमने जो किया था लास्ट टाइम, घरोली घूम घरोली घूम चरखा, चरखा, उसमें क्या था कि उसमें अगर जो लास्ट में कुछ कहते हैं उसको, और एक एक वर्ड बोलते हैं उसको, जहाँ पे वो एक हाई हाई नोट पे जाती है वो गाना, तो वहाँ पे शायद और बेहतर हो सकता था जिस वहाँ पे किया गया था, और ज़्यादा सुर डाल कर और ज़्यादा उसमें मॉड्यूलेट करके ज़्यादा कर एंड सकते हैं यू वहाँ पे। नो व्हेन द मेन सिंगर वॉक्ड आउट, और जो दूसरे सिंगर आके उनकी जगह ले रहे थे, उसके बाद अगेन द मेन सिंगर केम, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ उसी तरीके का एंड होगा एक, बिकॉज ही केम इन एंड आई थिंक कि तीनों सिंगर्स कुछ एक बैंग करके एक एंड करेंगे, दे विल बी यू नो वेरी टाइप ऑफ जुगलबंदी, यू नो वॉट टाइप ऑफ उनकी आवाज़ और उनकी हाईलाइट होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो ब्लू टी शर्ट में जो सिंगर थे वही कंटिन्यू कर रहे थे एंड दे वर जस्ट सपोर्टिंग हिम, एंड वो उतना हाईलाइट नहीं हुआ और उतने अच्छे तरीके से एंड नहीं हुआ। बट अगेन इट्स अ ओल्ड थिंग, अ ओल्ड स्कूल टाइप, यू नो वो हमारा जितना भी वहाँ पर देखना था हमें, सेटअप हो या फिर वॉइस क्वालिटी हो या फिर उनके यू नो तरीके हो, द ड्रेसिंग सेंस हो या फिर एडिटिंग हो, एवरीथिंग, द कैमरा क्वालिटी हो, सब कुछ ओल्ड स्कूल, और वो ऑलमोस्ट 8 years के फर्क के हिसाब से वी कैन एक्सेप्ट दैट। जैसे कि हम लोगों ने एक अलिफ देखा था, यू रिमेंबर कोस्ट टू एक एक अलिफ, और वहाँ पर भी इसी तरीके का था, एंड वी एक्सेप्टेड दिस बिकॉज वी न्यू के दिस इज ओल्ड टाइप, और यहाँ पर वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, बट इट्स नॉट अ बैड वर्जन, द सिंगर्स आर वेरी गुड, सिंगर्स आर वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग वॉइस, एंड आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, एंड नाउ हम लोगों को एग्जैक्टली एक्चुअली पता चल गया कि मास्टर सलीम का जो वर्जन आया है शिद्दत में वो यहीं से उठाया गया, बिकॉज नहीं यही सा इंस्पिरेशन है, बट मास्टर सलीम हैज़ डन ग्रेटर जॉब ग्रेटर देन जॉब जो ये देन देन यहाँ पे दिस, बहुत अच्छे या से किया मास्टर सलीम ने। द यूजुअली हम ऐसा ही एडवांटेज बोलते फॉर होता हिम नहीं है इज ऐसा। हिज वॉइस एंड हिज नोट, यू नो उनका जो पेस है, जो ही हैज ही इज अ डेफिनेटली लेजेंड एक्चुअली, ऑब्वियसली इंस्पायर इंस्पिरेशन इसे मिली है, बट हाँ इस बार बेटर किया है उन्होंने, ज़्यादा बेटर। सो वी कैन जस्ट डेफिनेटली यू नो से के दैट वर्जन इज बेटर देन दिस, बट नॉट बेटर देन साहब, उस्ताद ऑब्वियसली साहब, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। वो उसका लेवल ही अलग है, बट या इफ यू हैव नॉट वॉच शिद्दत का वर्जन, सो वी वुड हैव लव दिस, अगर यहाँ पर कोई दो अलग अलग वर्जन भी होता, अलग तरीके से होता, जैसे कि नुसरत साहब का है, इनका है, और शिद्दत का वर्जन थोड़ा अलग रहता तो हम लोगों को समझ में आता, बिकॉज वहाँ से इंस्पायर करके उन्होंने थोड़ा बेहतर कर दिया है। डन, या तो यस वी सो लव्ड इट, इट्स गुड, इट्स इट्स अ वेरी गुड गुड। वन, इट्स अ गुड वन, एंड थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग अस दिस। या जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। दिस मोहम्मद शाविज नायत। साइनिंग ऑफ।